कौन सा बदला ले रही हो मुझसे? अब हम पूरी यूनिवर्सिटी में मैं पोचा ढूंढती फिर का उई ठीक है तो ये भी मेरा हुआ ले जाओ दीदी जी ये मेरी लड़की है। Hi guys, so welcome to Raghav Hassel's YouTube channel and welcome to new vlog. तो आज का कुछ मैं बड़े स्टाइल से बोला आज भाव आज का जो ये सीन है कि आज मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा फाइनल थिएटर परफॉर्मेंस है ठीक है जिसमें मैं मॉम का करेक्टर प्ले कर रही हूँ काइंड ऑफ मॉम और मैंने इतने ज़्यादा प्रॉब्स लेकर जाने हैं मतलब और आज हमारा यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है मतलब सेमेस्टर खत्म हो गया तो उसका लास्ट डे है तो इसीलिए हम लोग जॉयलैंड जाएंगे सब मिलकर फ्रेंड्स ये वो तो लेट्स सी ओके तो इतना ज़्यादा सामान पैक करना ना लाइक अभी मुझे रखना है एक मतलब हमने क्या क्या रखना है मुझे एक माँ का ड्रेस रखना है एक फेक फ्लावर्स रखना है ये रख सकते हैं वैसे एक वास था वो रख लेती हूँ मैं हाँ। इसके अलावा हमने और भी बहुत कुछ रखना है जैसे कि ये वाला मैं फ्लावर्स रख लेती हूँ हाँ ये पूरा यही रख लेती हूँ और ये हम लोग फिर ले जाते हैं ओके तो मेरा करेक्टर है बूढ़ी अम्मा का तो मुझे उसके लिए चाहिए पाउडर लाइक जिससे मैं बालों को जो है ना वाइट कर सकूँ मुझे पाउडर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे तो हम ढूंढते हैं अब पाउडर ओके यार तो हमें मिला है कूल पाउडर ये ना हम बालों पे लगा के मेरे बाल ठंडे होते हैं ठीक है तो जो जो सामान लेकर जाना है मैं यहाँ रखती जा रही हूँ हमें पाउडर भी मिल गया अब हमें चाहिए पिंस और एक परांदा हाँ ओके यार तो ब्लैक पिंस भी हमारे पास आ चुकी हैं ठीक है और क्या रह गए ओके तो जो मेरा माँ का ड्रेस मैंने दिया था ऊपर आंटी को प्रेस करने के लिए तो वो भी शायद प्रेस हो गया मामा किधर है किथे हैगा किथे हैगा दे दे ये है मेरी मॉम का ड्रेस मतलब मम्मा मेरे मॉम करेक्टर का ड्रेस है तो हम ये भी ले जाते ये अभी पहन कर ड्रेस भी असल में मम्मा का ही है वो तो मतलब मैं रियल मॉम ही बन रही हूँ तो हाँ लेकिन ये भी मैंने पहनना है तो इसको हम यहाँ की बजाय इधर रखेंगे सांस चढ़ गया शिट ओहो तो ये भी हम पहनते हैं क्योंकि अभी ठंड ना लगे तो वरना पहले मैं सारा सामान रख लूँ फिर हम भी पहनते हैं अच्छा तो अब हमें चाहिए एक पोस्टर जो मतलब हम दीवार पे लगा सकें जिससे ये लगे कि ये मतलब पेंटिंग है हमने एक पेंटिंग शो कर दिया तो हमें पोस्टर ढूंढना पड़ेगा मतलब टेप से जिसपे लगा सकें पोस्टर मम्मा डबल टेप है फिर लेकिन अगर मैं ये वाली पेंटिंग ले लूँ ये वाली और फिर इसको डबल टेप से हम चिपका लें तो कहाँ डबल टेप फिर इसको उतारेंगे कैसे ऊपर से रुक जा मैं इसके ऊपर खड़ी होती हूँ बिस्मिल्लाह मम्मा अभी ना ऊपर नीचे नहीं चढ़ने के लिए कहीं स्टूल पकड़ो तो स्टूल पकड़ो और इसके ऊपर चढ़े और ये पकड़ा एक मिनट तो अटकी हुई है अंदर ये ठीक है ना हिरापे आपके पास डबल टेप है नहीं क्यों आपके पास थी एक कौन सी डबल टेप नहीं है यार हमें डबल टेप नहीं मम्मा जी फिर वो किधर है मेरा ट्रैक सूट अच्छा ये प्रेस हो रहा है फिर ये मुझे नीचे भिजवा देंगे मैं नीचे जा रही हूँ और परांदा किधर है देती हूँ अच्छा आ रही हूँ मैं पूरा सामान पूरा कर रही हूँ बंदे को और जरूरी काम होता है ओके यार तो ये भी इधर कोई फिट कर देते हैं इसको और ये तो मेरी दुपट्टा है माँ का इसको हम रखेंगे इधर ये भी कपड़े पहनते हैं डबल टेप भी मिल चुकी है अब इसके साथ हमें सीजर चाहिए क्योंकि डबल टेप कटती नहीं तो हमें एक सीजर चाहिए होगी मैंने वैसे हिसाब लगा जब मैं कैमरा ऑन कर लूँ मुझे सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं वाह और हमें सीजर भी मिल गई है अब हमें चाहिए एक हेयर ब्रश हेयर ब्रश की जगह हमने रख लिया ये कंघा ये भी यूज़ हो जाएगा वैसे मेरे बाल हो जाएंगे हाँ ओके तो अब बारी आती है परांदा रखने की तो परांदा मैंने कहा था इस ड्रॉअर में आई 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 मिल जाए बस यार परांदा वाली कोशिश हमारी नाकाम हो गई हमें नहीं मिला मम्मा कर देंगी तो अब तब तक मैं पहनती हूँ कपड़े जल्दी से ओके यार तो फाइनली मॉम जो है वो रेडी हो चुकी है इस तरह से मॉम के कपड़े और ये हमारी मॉम सामने और मुझे तो मम्मा नहीं 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 मम्मा ये वाली नहीं ये वाली कैब नहीं वो जो जिसके ऊपर लिखा हुआ था टैलेंटेड पर्सन तू टैलेंटेड है इतनी जी देखिए वो होगी क्योंकि मैं हम लोगों ने जब वहाँ पर जाना है मतलब पार्क जाना है तो वहाँ पे ये होगा कि कैप पहनूंगी ताकि फिर रश बहुत होता है तो यू नो कवर फेस करके जाऊंगी हाँ जी मम्मा पापा बुला रहे हैं आपको ओके तो फाइनली हमें हमारी कैब मिल गई और ये वाला बैग मैं पकड़ूंगी इसमें सब करूंगी सारा सामान पैक इसमें सब रखूंगी बस अल्लाह करे सब पूरा आ जाए इसमें मुझे नहीं लगता ओके तो इसमें ना जैनब का सामान पड़ा हुआ था कुछ ये हम निकालेंगे ओहो और पहले हम इसमें फिट करेंगे चादर अल्लाह मैं कैमरा के साथ फिट नहीं कर पा रही मुझे ज़रा बैग पैक करने दे ओके तो अब ये समझ नहीं आ रही कि ये सामान और ये किस में रखूँ ये तो भाई फुल हो चुका है तो मम्मा अब मुझे चाहिए कोई शॉपिंग बैग जैसा ये है ना यही चाहे मिल जाए ना बेस्ट है ऐसा ओके तो यार सारा सामान भी पैक हो गया ठीक है और मैं भी रेडी हो गई हूँ बस मम्मा वो मुझे दे दें मिल्कशेक मैं मिल्कशेक पीऊँगी यहाँ से निकल जाऊँगी फटाफट वैसे मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ तो फटाफट से हम पी लेते हैं मास्क मुझे चाहिए था एक मास्क जल्दी रापया व्हाई आर यू सो लेट ब्रो
चलो देखते हैं यार। यार आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप कहीं जा रहे हो और आपको इतना रखना और एकदम से आपको भूल जाए कि आपने क्या क्या लेना था? तो वैसा भी वही हो रहा है, मुझे याद नहीं रहा कुछ रह तो नहीं ना गया मम्मा। हाँ जी मम्मा, ये ना ये बस इसके ये भेजना उसको, जरा मैं सारा सामान उससे पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसी तो फिर ऐसी ये वाला ठीक है, और मैंने बड़ा बैग पकड़ लिया, बहुत भारी है। और पॉन दे रहे हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो 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 गाँव वाले। आ गई पापा जी, आ गई यार। बस सब अल्लाह करे हमारा जो प्ले है वो बहुत बहुत अच्छा। पापा इधर आ जाओ इधर आ जाओ ना, ये अच्छा है मुझे तो ठीक है। फिर ओ शिट मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बेल बजाओ अब। एक मिनट पापा जी। ओके तो यार सामान हम रख देते हैं इधर और ख़ुद बैठ जाते हैं। ओके चलो। ओके तो फाइनली हम पहुंच गए, बट अब ये सामान पकड़ना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके बाय। ये सबसे चीज़ मुश्किल है कि आप इतना सामान पकड़ के कहीं पर जाओ और मैं अब दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ती हूँ। ओके तो यार फाइनली अब मैं क्लास में जाती हूँ, वहाँ जाके देखते हैं क्या करना है। पहले तो मुझे बूढ़ी औरत बनना पड़ेगा अपने सर पे पाउडर शाउडर लगा कर। कन्फ्यूज़ हूँ, पता नहीं डायलॉग भूल गई क्या करूँगी। बस अल्लाह मियाँ सब ठीक कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके यार फाइनली आई मीन, और ये हमारी है और मेरी बेटी हो तुम, है ना? ओ माय गॉड कहीं से लग रहा है मेरी बेटी, और मैं माँ बनूँगी या फिर लगेगी मेरी बेटी। अरे बच्चे बाकी अपना भी कर। तो चलो अभी तो मैं अपनी बेटी को रेडी करूँगी, उसको परांदा लगाऊंगी। तो आपको देखो हमेशा हेयर स्टाइलिस्ट राबिया फैशन ही काम आती है ना। चलो हाँ करे जल्दी, चलो चलो चलो। ओके तो मैंने इसका फाइनली परांदा बांध दिया है। पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। यस तो ये क्रेडिट किसको जाता है? राबिया फैशन। यस चलो अब तो मुझे बूढ़ी औरत बनाओगी, मैं तुम्हें खूबसूरत बनाया मुझे बूढ़ी बनाओगी तुम ठीक है। चलो पाउडर सारा अच्छे से और लड़के भाग जाए सारे देख के पास ठीक है। ओके तो आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं इतनी छोटी सी उम्र में बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और हम ऊपर पाउडर लगाते हैं, अच्छा पाउडर ऐसा लगाओ कि मिट जाएगा ना पाउडर, लेकिन बस सही है कम डाला। कौन सा बदला ले रही हो मुझसे? राबिया हुई नहीं ब्लॉग का टाइटल होगा राबिया हुई बूढ़ी। बहुत बुरी लगूंगी मेरे। ओके तो यार फाइनली मैं बूढ़ी टाइप कुछ बन चुकी हूँ, मैं लग कैसे, मैं खुद अपने आप को भी कैमरा में देखती हूँ कि मैं लग कैसे रही हूँ। ओके यार सो फाइनली मॉम इज रेडी एंड यहाँ पर कुछ बहुत इस टाइप का हो रहा है, लाइक सेट वेट लग रहे हैं और अभी यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस होगी। मतलब हम अकेले नहीं डिफरेंट ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबका मतलब मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूंगी। मतलब बड़े मेहनतें हो रही हैं मतलब यहाँ पर। मैं आपको बैक स्टेज दिखा कर आती हूँ। वाओ इंटरव्यू हो रहा है क्या? मैं बैक स्टेज दिखाने जा रही थी लोगों को। ओके सो लेट मी शो यू बैक स्टेज। बैक स्टेज भी है कि हमने अपना सारा सामान इधर रख लिया है, लाइक हमारे प्ले में यूज़ होगा छोटा बच्चा, चादर, कफन टाइप, मतलब डेथ सीन भी, और ये प्लांट्स और ये प्लांट्स, और सब इस तरह से सेट होगा और हम लोग बैक स्टेज एक्ट करेंगे। ओ माय गॉड चलो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे डायलॉग भूल गया मैं क्या करूँगी। ओके यार तो अब ये सीन है कि मुझे चाहिए झाड़ू, क्योंकि मेरा एक सीन है जिसमें मैं काम करती हुई दिखाई देना, तो मुझे हम पूरी यूनिवर्सिटी में झाड़ू ढूंढ रहे हैं। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं ये ले लूँ, ये यूज़ कर लूँ एयर फ्रेशनर, लेकिन वो फिर मैम ने इसमें भी मिस्टेक निकालने के बेटा आप एयर फ्रेशनर यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए हम लोग जो है ना झाड़ू चाहिए मुझे झाड़ू दे। ओके यार तो अब ये सीन है कि मुझे चाहिए झाड़ू या कोई पोछा टाइप, तो अब हम पूरी यूनिवर्सिटी में मैं पोछा ढूंढती हूँ। ओए बर्तन यूज कर लेते हैं, वो अंकल के पास है इधर उधर 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 बर्तन यूज करते हैं। रुको अंकल, वो अंकल भागी जा रहे हैं आगे। अंकल बात सुनना बात सुनना, ये मिल सकता है हमें? ये मुझे कोई तकरीबन 3 बजे तक चाहिए होगा, मिल जाएगा? तब तक आपने सफाई वगैरह तो नहीं ना करनी है? ठीक है तो ये फिर मेरा हुआ, ले जाओ अंदर वाला। केड़ा कितने अंदर पड़ा हुआ है? ठीक है मैं अंदर फिर सॉरी सॉरी फिर अंदर से आप दे देना, चले दे। ओके यार तो फाइनली मुझे ये मिल चुका है और अब ये मैं अपने एक्ट में यूज करूंगी, और ये जाके हम रख लेंगे और इसको सबमिट करवाएंगे, सबमिट ना तो बैक स्टेज पे रखेंगे। ओके तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं कि मुझे सीन के लिए यूज करनी। ओह शिट यार क्या हो रहा है, अब सब ना ये तराज करें कि मैं बूढ़ी ज्यादा नहीं लग रही हूँ, और यहाँ पे एहतजाज ये क्या है, कौन कौन है ये? शिवाज नवाज शरीफ सजा, और हम लोग बहुत नर्वस है। ये हमारा सेट है, ये चारपाई है, ये पिलोज है, यहाँ बैठ के मैंने एक्ट करना, ये मेरा घर है और मैं एक बूढ़ी माँ हूँ जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही। पीनी जी ये मेरी लड़की है और 2 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। ये सब तो अल्लाह के, इंसान को बस
कोशिश ही कर सकता है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक उसके होने वाले औलाद को कई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तावीज दो और इसको पिला देना। आपका एहसान है पी लीजिए, अल्लाह आपको खुश रखे। फाइनली हमारा प्ले हो गया एंड इट वॉज लाइक मतलब अच्छा था, मज़ा आया, बट मैं इतनी कन्फ्यूज थी। और आप लोगों ने ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो देख ली होगी, बट अच्छा था। हमारी मैम ने इतनी तारीफ़ की, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छा किया है, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ऑब्वियसली अच्छी करनी थी। तो अब हम लोग का ये आगे प्लान है कि अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट फ्रेंड का प्ले देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो बाकी बताती हूँ आपको, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा भी सीन कुछ ये है कि मैंने, आप लोग देखोगे मेरे कपड़े चेंज हो गए हैं, मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। तो मेरे कपड़े चेंज हो गए हैं क्योंकि एक लड़की थी उसको मेरे कपड़े चाहिए, आके मुझे कहती है कि मुझे आपके कपड़े चाहिए, क्योंकि उसको परफॉर्म तो हेल्प तो करनी चाहिए। मैंने फिर उसको अपने कपड़े दिए, अब वो उसके तब तक मैंने पहने हुए हैं। और अब ये होगा कि मैं वैसे अपने साथ एक ड्रेस लेकर तो आई थी, हाँ, तो वो पहनूंगी अभी। तो उससे हम कपड़े पकड़ेंगे और हम अब जाएंगे जॉयलैंड। ये